नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके एक हालिया बयान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेड़ रात के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि यहाँ हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्ग ये बताते रहे कि रात में पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों, ये साइंस बताती है। दरअसल रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि इंसानी शरीर के लिए ठीक नहीं, लेकिन इमरान का इससे ठीक उल्टा बयान सिर चकराने वाला है। तस्वीरें देख के लग रहा था कि मानो वहां इमरान को सुनने बैठे लोग भी एक वक्त के लिए ब्लैंक हो गए कि पीएम साहब ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं। पाक पीएम द ग्रेट साइंटिस्ट इमरान खान यहां पेड़ लगाने के महत्व से जुड़े एक इवेंट में बोलने आए थे। इस पर अब सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग चल रही है, लोग उन्हें आइंस्टाइन इमरान खान बता रहे हैं। इस बीच आप भी इमरान का वो बयान सुन लीजिए और धन्य हो जाइए। 70% जो ग्रीन कवर था वो कम हुआ 10 सालों के अंदर, तो उसके नतीजे तो आने थे, क्योंकि दरख्त हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब आप दरख्त, इमरान खान यहाँ ग्लोबल वार्मिंग समझा रहे थे, जिन्हें आइंस्टाइन खान तक कहा जा रहा है। वैसे इमरान साइंस के ही नहीं बल्कि भूगोल यानी कि जियोग्राफी के भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अपने बाकी मंत्रियों की ही तरह वो भी हमेशा कोई ना कोई कॉमेडी कर ही देते हैं। अभी पिछले ही दिनों उन्होंने एक और हंगामेदार बयान दिया था, तब उन्होंने जापान और जर्मनी को एक दूसरे का पड़ोसी मुल्क बता दिया था, जिसके बाद तो पाकिस्तानी आवाम में अपना सिर ही पकड़ लिया। जबकि तस्वीर से समझिए कि कहाँ है जापान और कहाँ है जर्मनी, लेकिन इमरान खान को ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क लगते हैं। जर्मनी एंड जापान killed millions of their civilians until after the Second World War. They decided that they would have on the border region of Germany and Japan they had joint industries. इमरान साहब तो कमाल हैं। वैसे इमरान खान सोशल मीडिया पर टॉकिंग पॉइंट हमेशा ही बने रहते हैं। हाल ही में खबर आई कि गूगल पर भिखारी सर्च करने पर इमरान खान की ही फोटो आने लगी थी, तब भी वो खूब वायरल हुए थे। वैसे और कई बयान हैं जो इमरान को पप्पू बताते हैं। इमरान खान पाकिस्तान में यू टर्न के नाम से भी जाने जाते हैं। उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भयानक सफाई दे दी। तब उन्होंने कहा था कि एडोल्फ हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट को वर्ल्ड वॉर में हार नहीं मिली होती अगर वो यू टर्न ले लेते, इसलिए यू टर्न लेना एक अच्छी बात है। इतना ही दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार खबर आई थी कि पाकिस्तानी रुपए की औकात जो है वो दुनिया में अब कम होने लगी है, तो इमरान से पत्रकारों ने इस पर एक सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो इमरान खान बोले कि मुझे नहीं पता, हुआ है क्या, मुझे तो मीडिया से ही पता चला। और सुनो, एक बार इमरान चीन गए, वहां बोले कि चीनी ट्रेन की स्पीड तो लाइट से भी ज्यादा तेज होती है। भाई क्या है, कुछ भी बोल देता है ये आदमी। चाइना में यही सफर 4 घंटे में, यानी कराची से लाहौर पहुंचना, चाइनीज की जो अब ट्रेन चल रही है वो 4 घंटे में पहुंचा देती है, और वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज अगली ट्रेन डेवलप हो रही हैं। तो हमने इसके बाद देश में बेरोजगारी का संकट चला, तो इमरान बोले कि मैं गरीबों को चिकन दूंगा, फिर वो अंडे देंगे, फिर एक और मुर्गी होगी और फिर सब अमीर हो जाएंगे। ये बयान भी इमरान खान का सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल हुआ था। इसके अलावा एक और सुनिए, इमरान खान के मुताबिक क्रिश्चियन कम्युनिटी के जीसस का इतिहास में कोई जिक्र है ही नहीं, इसे लेकर भी उनकी काफी ट्रोलिंग हुई थी। बाकी पैगंबर अल्लाह के आए, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। ऐसे बहुत से हैं, यकीन मानिए हम बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। और ये सब बयान तब हैं जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़कर आए हैं। हमें तो लगता है कि इमरान खान अगर ना रुके तो ऑक्सफोर्ड वाले अपनी डिग्री वापस ना मांग लें। बहरहाल दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, नीचे आकर कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।